सो आज ना मेरा दिमाग बड़ा ख़राब है। एक तो जोमेटो से फूड ऑर्डर किया था, भूख लगी थी तो जोमेटो से फूड ऑर्डर किया, तो उन लोगों ने ना नॉनवेज फूड सेंड किया। मतलब यार मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैंने वेज फूड ऑर्डर किया है और तुम लोग मुझे नॉनवेज भेज रहे हो। मतलब कंप्लेन करने के लिए इनके पास कॉल सेंटर भी नहीं है, कंप्लेन करे तो कहाँ। हाँ वो टाइप करके कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन वो बंदा जो सामने बैठा था वो भी 10-10 मिनट के बाद रिप्लाई दे रहा था। फाइनली वो समझ गया प्रॉब्लम, 1 घंटे 1 घंटा लग गया उसको प्रॉब्लम समझने में, 1 घंटा लग गया उसको प्रॉब्लम समझने में। उसके बाद वो प्रॉब्लम समझा और फाइनली उसने रिफंड कर दिया, ठीक है। लेकिन रिफंड भी उसने पूरा नहीं किया, उसने बोला कि सर हम आपको इतना रिफंड दे सकते हैं और बचे हुए जो पैसे है ना वो हम आपको कूपन में दे देंगे, कूपन प्रोवाइड कर रहे हैं हम। नहीं चाहिए भाई कूपन, मैंने फर्स्ट टाइम जोमेटो से ऑर्डर किया था, इतनी थर्ड क्लास सर्विस तुम नॉनवेज भेज रहे हो मुझे, डिसगस्टिंग। मतलब क्या बोलने का, मैं हमेशा से ना ऊबर ईट से ऑर्डर करता हूँ, मैं ऊबर ईट से ऑर्डर करता हूँ, ऊबर ईट्स का कस्टमर हूँ मैं, और ऊबर ईट से बहुत ही अच्छा फूड आता है, मेरा एक्सपीरियंस है। मैं इतने टाइम से, लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया, मैं ऊबर ईट से ऑर्डर कर रहा हूँ फूड, तो ऊबर ईट से तो बेस्ट फूड आता है और बहुत ही अच्छे प्राइस में आता है। जोमेटो है तो एक्सपेंसिव, प्लस इनके पास काम करने वाले लोग नहीं है, डिलीवरी बॉय इतना लेट, 1.5 घंटा लग गया डिलीवरी आने में, 1.5 घंटा समझ सकते हो, 1.5 घंटा मतलब कितना मिनट्स हो गया, 60, 30, 90 मिनट्स, 90 मिनट्स डिलीवरी आने में। चलो ठीक है, समझ सकता हूँ मैं कि प्रॉब्लम रही होगी, कोई ट्रैफिक है, बारिश है, पुणे में तो बाढ़ आ गई है बहुत सारी जगहों पे, समझ सकता हूँ मैं भी। लेकिन जब फूड आता है, आपको भूख लगी हुई होती है, आप 1.5 घंटा वेट करते हो और जब फूड आता है वो भी नॉनवेज, नहीं यार ये एक्सपेक्टेड नहीं है। मैं मेल ड्रॉप करूँगा तुम लोगों के नाम का, और ज़्यादा मतलब देखना, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं तुम लोगों को सू कर दूँ।